मिर्जापुर में पुलिस ने नकली टीवी बेचने वाले कई दुकानदारों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने नकली एलईडी टीवी बेचते हुए दो दुकानदारों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार दुकानदार क्राउन कंपनी की स्टिकर लगाकर एलईडी टीवी बेचते थे। पुलिस ने दोनों दुकानों पर छापेमारी कर मौके पर 32 एलईडी टीवी और क्राउन कंपनी के रैपर बरामद किए हैं। दो व्यापारी हैं, एक बथुआ रीवा रोड पर गीत इलेक्ट्रॉनिक्स है सुरेंद्र कुमार केसरी और दूसरा मोहरिया पे एनसी प्लाजा के मालिक है राजेश चौरसिया। इन लोगों के यहाँ से कुल 32 अदद एलईडी टीवी क्राउन का बरामद हुआ और इन लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये सफेदपोश अपराधी हैं, ये जनता की काढ़ी कमाई पे डाका डाल रहे हैं। दुकानदार गांव देहात के भोली भाली जनता को सस्ते दामों में टीवी बेचा करते थे। फिलहाल पुलिस दोनों दुकानदारों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रिजलाल मौर्य की रिपोर्ट।